खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां अपने दो दिवसीय दौरे के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह पीजी कॉलेज पहुंची। कुलपति ने गाजीपुर पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कॉलेज में पौधारोपण किया। कुलपति ने कॉलेज के कृषि संकाय के डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉलेज के शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय में चल रहे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों की सुचारू व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। पीजी कॉलेज गाजीपुर में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मुझे लगा, और यहाँ की आज सुबह प्रातः शिव वाटिका में मैं आई, और यहाँ जिस तरह से सब पौधों का संग्रह है और किसके द्वारा वह प्लांट लगाया गया है इस साक्ष्य के साथ, इसने मुझे बहुत अभिभूत कर दिया है कि पौधा लगाना और उस पौधे की मॉनिटरिंग रखना, और ये भी याद रखना कि ये पौधा किसने लगाया है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, और इस तरह के प्रोग्राम्स को चलते रहना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में लागू हो चुकी है पिछले 3 साल से, और स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स पे लगातार काम चल रहे हैं, और हम लोग नए नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और धीरे धीरे हमारा विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट में अग्रणी विश्वविद्यालयों में काउंट होगा। ये सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अभी ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, और मैं गाजीपुर के सभी विश्वविद्यालयों के प्रति भी अपनी उतनी ही जिम्मेदारी समझती हूँ जितना कि जौनपुर जिले के महाविद्यालयों के लिए मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक ये मेरे अंतर्गत हैं इनको मैं पूरा मेरा अटेंशन रहेगा और पूरी तरह से डेवलप करने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी।